हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं बच्चों आप लोग। कक्षा 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम पाठ 1 आपकी पुस्तक तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तिका बाय अमित पब्लिकेशन से। कौन सा पाठ? समय सुबह का। बच्चों, ये सुबह के समय की एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी कविता है जिसका हम आनंद उठाएंगे। बच्चों, सूर्य उदय से संबंधित कुछ वाक्य लिखे। जब सुबह होती है, जब सूर्य सुबह सुबह सूरज उगता है तो कैसा लगता है? सूरज की किरणें पूरे घर में, पूरे सारे संसार में सूरज की किरणें फैली होती हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य होता है और चिड़ियाँ चू 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 करती हैं, कोयल भी कूक रही होती है और डालियाँ ठंडी ठंडी ऐसी हवा चल रही होती है, तो बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। और अब हमारी है कविता का प्रवेश। सुबह की किरणों के साथ हर एक दिन नया आरंभ होता है। सुबह की ठंडी हवा और सूरज की पहली किरण हर कोने में नई ऊर्जा भर देती है, मतलब नई शक्ति, नया जोश भर देती है। सुबह की शांति, सकारात्मकता और नई उम्मीदें हमें नई शुरुआत की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। जब सुबह सुबह होती है तो शांति होती है ना, एकदम बड़ा शांति सी, ठंडक, एक पॉजिटिविटी और बहुत सारी नई उम्मीदें, मतलब हमारी नई नई उम्मीदें हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करती हैं। तो सुबह का जो सुबह का समय होता है, प्रातःकाल का समय कितना अच्छा होता है। तो ऐसी ही कविता है, जागो आया समय सुबह का, बाग बगीचा आंगन महका, नहीं अंधेरा नहीं धुंधल का, आई सुबह लिए उजियाली, आसमान रंग गया सुनहला, फैल गई पूरब में लाली। मतलब सुबह सुबह कितना अच्छा लग रहा है कि आंगन भी महक रहा है, बाग बगीचे भी महक रहे हैं और सुबह जो है एक उजाली ले आई है और आसमान का जो रंग है वो भी कैसा हो गया, सुनहरा, सुनहला सुनहला। और पूरब में एक जब सुबह सुबह आपने देखा सूरज की हल्की हल्की सी लालिमा भी आ जाती है, उसकी किरणों में हल्का हल्का सा एक लाल रंग भी दिखता है, तो उसे क्या बोलते हैं, सूरज की लाली। ऊंची शाखाओं को छूती किरणें आ उतरी हैं भू पर, यानी कि भूमि पर, ओस कणों को चुगा उन्होंने सभी जगह से एक एक कर, फीका पड़ा चांद का मुखड़ा, नहीं चांदनी रही यहाँ अब, सारी रात चमकने वाले तारे जाने गए कहाँ, सब तारे भी चले गए, चांदनी भी नहीं है। मुर्गे ने उठ बांग लगाई, ये देखिए कुकड़ू कू बोल रहा है और ये चिड़िया भी घूम रही है और बटरफ्लाई तितली रानी भी उड़ रही है, कहाँ पे, फूलों पर फूल खिले हुए हैं। कितना खूबसूरत, कितना खूबसूरत ये दृश्य है प्रातःकाल का, सुबह का। मुर्गे ने उठ बांग लगाई, चहक उठी चिड़िया मन भाई, कुकड़ों को चींची आवाजें गूंज उठी कानों में भाई, बाग बगीचों अमराई में कूक उठी है कोयल काली, फूलों से भर अपनी झोली, फूली नहीं समाई डाली, गुनगुन कर भंवरे मंडराए, कलियां जागी ले अंगड़ाई, रंग बिरंगे पंखों वाली कई तितलियां उड़ उड़ आई, छोड़ बिछौना उठ बैठो सब, बिछौना मतलब बिस्तरा जहाँ पे आप लेटे हैं, आलस छोड़ो आंखें खोलो, दांत मलो मुंह हाथ पांव धो, सभी साफ सुथरे अब हो लो, हुआ उजाला हल्का हल्का, जागो आया समय सुबह का। तो बच्चों, ये हमने पढ़ी कितनी सुंदर एक कविता प्रातःकाल की, सुबह की, कि सुबह क्या क्या होता है। और अब है कठिन शब्द, आंगन अमराई, धुंधल का भंवरे, किरणें मंडराए, मुखड़ा बिछौना, चांदनी पांव, बांग मुंह। और अब आ रहे हैं शब्दार्थ, आंगन यानी घर में खुला स्थान, लाली यानी लालिमा, उजियाली यानी रोशनी, मुखड़ा यानी चेहरा, ओसकड़ का अर्थ है ओस की बूंदे, धुंधल का यानी कि सांझ, सुनहला का अर्थ है सुनहरा और बांग का अर्थ है मुर्गे की ऊंची आवाज़। और अब हमसे पूछा गया है सुबह के समय कौन कौन महका, सुबह के समय आंगन महका, बाग बगीचे महके, सब कुछ सुबह के समय महका। कानों में किसकी आवाज़ें गूंजने लगी, कानों में मुर्गे की बांग, कुकड़ों को, चिड़िया की ची 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 की आवाज़ की, उठो उठो उठो, और कोयल की मीठी सुरीली आवाज़ हमें हमारे कानों में गूंजने लगी।
अंगड़ाई लेकर कौन जागी? अंगड़ाई लेकर कलियां जागी। और अब हमसे पूछा गया है सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो सही विकल्प है सुबह अपने साथ लाई, क्या लाई? अंधेरा, उजियाला, धुंधलका या वर्षा। सुबह अपने साथ लेकर आई उजियाला, हमने उजियाला के आगे सही का निशान लगा दिया। चांद का मुखड़ा कैसा पड़ गया? फीका, खुशी, रुआसा या काला। चांद का मुखड़ा पड़ गया फीका, हमने फीका के आगे सही का निशान लगाया। मुर्गे ने उठकर क्या किया? नाचने लगे। मुर्गों ने उठकर क्या किया? नाचने लगे, खेलने लगे, बांग लगाई या रोने लगे? मुर्गों ने उठकर बांग लगाई। और फिर कौन कूकने लगी? चिड़िया, कोयल, मैना या तितली। कौन कूकता है? कोयल। कोयल कूकने लगी, तो मैंने कोयल के आगे भी क्या कर दिया? हमने कोयल के आगे सही का निशान लगा दिया। और अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है रिक्त स्थानों की पूर्ति। बाग बगीचा और क्या महका? बाग बगीचा, आंगन महका। तो हमने आंगन यहाँ पे भर दिया। बाग बगीचा, आंगन महका। कूक रही है, कौन कूक उठी है? कौन कूक रहा है? कोयल। कोयल करती है ना कू, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कोयल। चिड़िया जो होती है वो चींची करती है और कोयल जो होती है वो कूकती है। कूक उठी है कोयल काली। फीका पड़ा, किसका मुखड़ा? फीका पड़ा चांद का मुखड़ा, तो हमने यहाँ पे क्या भर दिया? चांद। फीका पड़ा चांद का मुखड़ा। ने उठ बांग लगाई, किसने बांग लगाई? मुर्गों ने। मुर्गों ने उठ बांग लगाई। छोड़ उठ बैठो सब, क्या छोड़ के? छोड़ बिछौना। बिछौना का मतलब होता है जिस पे आप सोते हैं, बिस्तरा, उसको बिछौना भी बोलते हैं। छोड़ बिछौना, उठ बैठो सब, यानी कि बिछौना को छोड़ दो और सब उठ जाओ क्योंकि सुबह हो गई है। और हमें वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाओ। नई सुबह ने बाग बगीचे को महका दिया। जी हाँ, बिल्कुल, नई सुबह ने बाग बगीचे को महका दिया। नई सुबह के आने पर तारे गायब हो गए। जी हाँ, सारे तारे नई सुबह के आने पर गायब हो गए। नई सुबह को देखकर तितली कूक उठी। जी नहीं, तितली थोड़ा ना कूकती है, तितली तो फूलों पर उड़ती है, घूमती है। कूकता कौन है? कोयल। तो ये गलत है, हमें आलस करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, हमें आलस को तो त्यागना चाहिए, तो ये भी गलत है। कोयल फूलों पर, कोयल मंडराती है, बिल्कुल गलत। फूलों पर तो तितली मंडराती है। तो हमने यहाँ पे सही और गलत के निशान लगाए। और अब हमारा है निम्नलिखित प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। प्रातःकाल कौन कौन से पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती है? प्रातःकाल हमें चिड़ियों की चहचहाट आवाज़ आती है, कोयल की आवाज़ आती है, भंवरे गुनगुन गुनगुन करते हैं और तितली भी इधर उधर फूलों पर मंडराती है। हमें इतने सारे पक्षी और मुर्गे की बांग, हाँ मुर्गे की बांग भी। तो प्रातःकाल हमें मुर्गे की बांग सुनाई देती है, चिड़ियों की चहचहाट आती है और कोयल की कुकू कू आती है और भंवरे की भी गुनगुनाती हुई आवाज़ आती है। पूरब में लाली किस समय फैलती है? पूरब में लाली जब सुबह प्रातःकाल सुबह हो जाती है और सूरज की किरणें चारों तरफ आ जाती हैं, तो सूरज की किरणों में जो लालिमा है वो उस समय प्रातःकाल में फैलती है। यानी कि पूरब की लाली प्रातःकाल सुबह जब सूरज आ जाता है उस समय फैलती है। किरणों ने भू पर उतरकर क्या किया? किरणों ने भू पर उतरकर, भूमि पे उतरकर जो रात को ओस के कण थे उनको सबको सोख लिया, यानी कि उनको सबको सुखा दिया। फूली नहीं समाई डाली से क्या तात्पर्य है? फूली नहीं समाई का अर्थ है, फूली नहीं समाई का मतलब बहुत अत्यधिक प्रसन्न होना, बहुत खुश होना। तो जो डालियाँ थी जब वो फूलों से भरी हुई थी तो वो फूली नहीं समा रही थी, यानी वो अत्यंत प्रसन्न हो रही थी। फीका पड़ा चांद का मुखड़ा से क्या आश्चर्य है? फीका पड़ा चांद का मुखड़ा का से यह आशय है कि जब सूरज देवता सुबह सूरज निकल आया, सुबह हो गई और जो चांद था वो बिल्कुल हल्का हो गया, एकदम फीका पड़ गया। तो इसका अर्थ, इससे ये आशय है कि चांद जो सूर्य के सामने चांद बिल्कुल फीका पड़ गया, एकदम हल्का। तो ये फीका पड़ा चांद का मुखड़ा का आशय है, इसका ये आशय है। तो बच्चों,
ये प्यारी सी, बहुत प्यारी सी कविता नई सुबह कैसी लगी आपको? और मैं आशा करती हूँ, मैं आपसे बोलूँगी कि बच्चों ये इतनी अच्छी कविता को आप ज़रूर याद करें। चलिए इसके साथ हमारी ये पाठ, हमारा पाठ समाप्त हुआ। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं, तब तक के लिए आभार।